रात का समय सुबह 7:30 से 2:30 तक, फिर 3:30 से 10:30 और रात को 11:30 6:30 तक। इतनी चढ़ाई के बाद तो ये प्रसाद देख के काफी मजा आ गया। कौन सच्चे दरबार की जय। यहाँ पे लोगों को कम से कम 24 से 48 घंटे लगते हैं अपना नंबर आने के लिए, तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है ये। जनरली लोग क्या करते हैं, जब ऊपर माता के चढ़ाई के लिए जाते हैं वैष्णो माता के पास, तो लोग नीचे से ही अपना एक पर्ची कटा लेते हैं, और जब वापस दर्शन करके आते हैं तब हो सके नंबर आ गए तो अच्छी बात है, उनके दर्शन हो जाते हैं, नहीं आते तो वो वेट करते हैं। तो जो गुफा है ना, पुरानी गुफा, वो साल में बस एक ही बार खुलती है, सिर्फ जनवरी में, क्योंकि तभी भीड़ कम होती है। तो हम लकी हो गए और हमारा ये गुफा खुल गया, हमारे लिए गुफा खुल गई। और मतलब गुफा बहुत ही पतली सी है, पूरा एकदम स्लैंट होकर लेट लेट के जाना पड़ता है। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूँ आप सबकी पल्लवी, माय शैडो बीट्स। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, एक नए व्लॉग में स्वागत है, वो भी माता वैष्णो देवी से, कटरा से। जय माता दी। ये सो लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था हमारी जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कटरा वाया वंदे भारत एक्सप्रेस, इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है, जो जिसने हमको पहुंचाया कटरा 8 घंटे में। और ये वाले व्लॉग में मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जो आपको हेल्प करेगी माता के दर्शन को नीचे से लेके भवन तक, फिर काल भैरव, फिर नीचे अर्धकुमारी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, क्या लेके जाना चाहिए, कैसे चढ़ाई करनी चाहिए, पालकी के कितने पैसे लगते हैं, घोड़े के कितने पैसे लगते हैं, पालकी कहाँ तक जाती है, घोड़ा कहाँ तक जाता है, दर्शन को कितना टाइम लगता है, तो सब कुछ इस व्लॉग में है। तो मेक श्योर आप ये व्लॉग एंड तक देखो। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो, नए आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अब शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन की जर्नी। Now we will go to army ticket counter from railway station. So यहाँ से army ticket counter जो है वो 10 minutes की auto ride है, and which will take somewhere around 200 rupees. और army ticket counter से मुझे लेना है VIP pass, और हम वहीं पर locker में अपना सामान रख करके फिर हम करेंगे चढ़ाई। तो यस, जय माता दी, super excited, finally पहुँच ही गए, बहुत मन था मेरा आने का, मम्मी का भी, so yes, let's go. Mommy is very happy. माता का दर्शन करके अब देखो वहाँ जाकर आर्मी कंटर में जाएंगे, इसके बाद वहाँ से फ्रेश होकर के चढ़ाई करेंगे माता का दर्शन। सो वो वहाँ पे है बीच में जो दिख रही है अर्धकुमारी, और सबसे ऊपर है काल भैरव, एंड जो भवन है जहाँ वैष्णो माता है। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, बट क्योंकि हमारे पास VIP पास है तो हम आर्मी टिकट काउंटर जाएंगे पहले। सो स्टेशन पे ही यात्रा रजिस्ट्रेशन का स्टेशन पे ही, जैसे आपने देखा कि यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर, सब सारे जो मेंबर्स हैं उनको आईडी प्रूफ के साथ आईडी प्रूफ देने पड़ते हैं, एंड यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। उसके बाद आपको RFID के एक कार्ड मिलती है। अगर हमारे पास आर्मी पास नहीं होता तो हमें भी वहाँ पे जो यात्रा सेवा केंद्र है वहाँ पे अपने लिए कार्ड बनवाना पड़ता है। चलो गाइस जल्दी जल्दी चलो, अभी मौसम इतनी ठंडी नहीं हो रखी है। वैसे तो टेम्परेचर ऐसा बोल रहे हैं रात को 1 degree हो जाता है, बट क्योंकि अभी धूप निकली हुई है तो इतनी ठंड नहीं है, और हम भी एक्चुअली 3-4 layers पहन के आए हैं, बस हमको चढ़ाई भी इसी कपड़े में करनी है, और ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है, 1 degree टेम्परेचर है, बस गर्मी ना लगे, क्योंकि नीचे भी मैंने बहुत सारे लेयर्स पहन रखे हैं। गर्मी लग रही है ना चढ़ाई में, तो और गर्मी लगेगी। yes. फिर तो क्या होगा, ओके ओके। Hello, yeah.
सो वी हैव गॉट दिस, ये जो RFID कार्ड है ये नॉर्मल वहाँ पे भी मिलता है बट हमको आर्मी काउंटर से मिला है और हमने अपना सामान भी इधर ही रखा है। और ऊपर आप पीछे देख रहे होगे इट्स गेटिंग डार्क, सो हम आए तो वैसे 4 बजे थे बट अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं 6:20 में, तो ऊपर थोड़ा जाएंगे आर्मी बेस कैंप से एंड फिर मम्मी के लिए विल टेक द पालकी बिकॉज घोड़े में अगर वो जाएंगे तो अकेले जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे 2 आवर्स में, हमको पैदल चल के जाना है तो टाइम लगेगा। सो पालकी अगर हमारे पास होगी तो मम्मी साथ साथ हमारी चलेगी। सो पालकी के रेट्स कुछ 3,650 रुपीज़ हैं फ्रॉम नीचे कटरा से अर्ध नहीं भवन तक, और फिर भैरों के लिए अलग से वो कुछ 650 ऐसे कुछ लेते हैं, और घोड़े की जो रेट्स है नीचे कटरा से भवन तक है 1250 जो सस्ता है। कि घोड़ा बहुत जल्दी पहुंच जाएगा और हम नीचे ही रह जाएंगे, मम्मी ऊपर जाके करेंगे क्या, तो इसलिए वी आर गोइंग विद पालकी जहां पे पालकी हमारे साथ साथ चले, जैसे हम वॉक करें तो मम्मी भी साथ साथ वॉक करें। थोड़ा महंगा पड़ेगा बट दैट्स फाइन, है ना क्या? थोड़ा महंगा पड़ेगा बट पालकी इज़ लाइक मम्मी हमारे साथ चलेगी, राइट? यस एंड कम्फर्ट टू। हाँ कम्फर्टेबल भी होगा, बैठ के आराम से जाएंगी। नीचे RFID कार्ड लेने के बाद हम ऊपर आते हैं और यहाँ पे समर्पण गेस्ट हाउस है जहाँ पे आपको रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। सो आर्मी जो पासेस होते हैं वो आपको ऐसे मिलते हैं, अगर आपको कोई आर्मी में जान पहचान है तो वो पहले रेफ़र करते हैं, तो आपको बस उनको डिटेल्स अपनी भेजनी होती है कि कितने लोग जा रहे हैं, उनका नाम, उनका एक एड्रेस एंड आधार कार्ड जो उनका बेसिकली होता है, आधार कार्ड नंबर एंड फ़ोन नंबर, एंड वो जो है जिन्होंने जो आपको रेफ़र कर रहे हैं दे विल सेंड दीज डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स हियर इन कटरा बेस में जो टिकट काउंटर में बैठते हैं उन लोगों को 1 दिन पहले। और आपको जब डिटेल्स कटरा बेस के पास पहुँच जाएगी तो 1 दिन पहले आपको कॉल आएगा एंड टू कन्फर्म टू चेक कि आप कल आ रहे हो कि नहीं, एंड उसके बाद आपको बस वहाँ पे आर्मी टिकट काउंटर पे जाना है और अपने RFID कार्ड्स कलेक्ट करने हैं एंड देन यू कैन डू द चढ़ाई। सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी चेक होती है जहाँ पे फुल बॉडी स्कैनिंग होती है, एंड एयरपोर्ट पे जैसे बैगेज चेक होता है वैसे यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होती है। आपको फ़ोन छोड़ के कैमरा अलाउड नहीं है, ट्राइपॉड अलाउड नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं है ऊपर। अगर आपको शूटिंग के लिए चाहिए तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी होती है श्राइन बोर्ड से, अदरवाइज़ आपको कैमरा इस यू नो सिक्योरिटी चेक के पहले रखना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक के आप थोड़ा आगे आओगे लाइक 100-200 मीटर्स, तो यहाँ पर प्रीपेड बुकिंग काउंटर है। पोनी मतलब होती है पालकी, पोनी पालकी बोलते हैं, पिट्ठू मतलब वो पीठ में आपको कैरी करके लेके जाते हैं, एंड देन आपको रहते हैं घोड़े के ऑप्शन। तो यहाँ पे सारे जो भी आपको रेट्स हैं वो सब यहाँ दिए रहते हैं, आप उन रेट्स को देख लो अकॉर्डिंगली और जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो कर सकते हो। मम्मी के लिए हमने पालकी कराया बिकॉज घोड़े में कभी कभी यू नो सेफ नहीं होता है, घोड़ा तेज़ चलते चलते गिर भी जाता है बहुत बार, सो इट्स डेंजरस, तो आपको पालकी ही कराना चाहिए अगर आपके साथ कोई यू नो एल्डर लोग जा रहे हैं। जय माता दी सिस्टर। हाँ मम्मी बंधा गया। ये आप वहाँ से कहीं से भी ले सकते हो सिर पे बांधने के लिए, सो 10-20 रुपए का मैक्स मिलता है, हमने 10 रुपए मिल लिया है। ये एक RFID कार्ड जो आपको मिलती है नीचे जो आप रजिस्ट्रेशन के बाद लेते हो उसको आपको हमेशा पहने रखना है। दोबारा बैठने का मौका मिला के चाहिए। माता जी नहीं मिल रही है, बात वापस इधर एक बोल मिलाई है। नीचे से जब आप पालकी या घोड़ा या पोनी कुछ भी लेते हो तो आपको पहले वो या तो अर्धकुमारी तक मिलती है या तो वो भवन तक मिलती है, काल भैरव तक नहीं मिलती है। काल भैरव तक जाने के लिए आपको भवन से दूसरी पालकी या घोड़ा या पोनी करनी होगी, लेकिन आप काल भैरव से जब आप वो करोगे तो आप काल भैरव से मतलब भवन से काल भैरव जाके डायरेक्ट फिर नीचे तक की एक बार में कर सकते हो, बट नीचे से जब चढ़ाई करते हैं तो सिर्फ भवन तक या अर्धकुमारी तक ही मिलती है।
मैं चली गई है पालकी में आगे और हम जस्ट मम्मी के पीछे पीछे चल रहे हैं क्योंकि हमको पैदल चल के ही जाना था। जय माता दी। पूरे रास्ते में मतलब भवन तक जब तक आप पहुंच नहीं जाते हो दोनों साइड सिर्फ दुकानें ही दुकानें रहेंगी, खाने पीने की और भगवान के प्रसाद की, फिर थोड़े कपड़ों की भी होती है और हर जगह लाइट होती है, फ़ोटो स्टूडियोज़ भी होते हैं। सो हर जगह लाइट जगमगाती रहती है, भीड़ भाड़ रहती है, पूरी रात पूरी दिन लोग चढ़ाई करते हैं। यहाँ पर टाइम का कोई सीन नहीं है क्योंकि मंदिर हमेशा दर्शन के लिए खुला रहता है। कुछ लोगों की आपने फोटो देखी होगी कि वो ना पिंड जो माता वैष्णो देवी की पिंडियां हैं वहां पे रह के फोटो क्लिक करके फेसबुक में डालते हैं, इंस्टाग्राम में डालते हैं। मैंने भी देखा था, मुझे लगा ये भगवान के पास फोटो कैसे क्लिक कराते हैं क्योंकि मंदिर के अंदर तो कैमरा फोन अलाउड ही नहीं है। फिर पता चला कि ऐसे स्टूडियोज़ बने हुए हैं चढ़ाई वाले रास्ते पे ही, जहाँ पे आप जाके उन स्टूडियोज़ के पास फ़ोटो खिंचाते हो और वो आपको फ़ोटोज़ देते हैं और वही आप अपलोड करते हो। तो मुझे भी नहीं पता था और मैं सोच रही थी कि लोग फ़ोटो कैसे खिंचाते हैं जब मंदिर के अंदर कैमरा फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है। ऊपर भवन जब आप पहुँचते हो तो आपको लॉकर में रखना पड़ता है। नाउ आई नो द सीक्रेट। पालकी वाले बीच बीच में स्टॉप लेते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो इतना वजन लेके जब ऊपर चढ़ते हैं तो वो बीच बीच में रुकते रुकते जाते हैं क्योंकि उनको उतारते हैं, फिर थोड़ा 10 मिनट ब्रेक लेते हैं फिर जाते हैं। ये है चरण पादुका मंदिर जहाँ पे माता जब भागी थी भैरव से छुपने के लिए तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले यहीं पे चरण रखा था। अभी मंदिर बंद था तो हम गए नहीं, वापस आते हुए हम देखेंगे अगर मंदिर खुला है तो वहाँ के दर्शन करेंगे। पूरे रास्ते में अपार्ट फ्रॉम खाने पीने की, पूजा की और यू नो कपड़ों की दुकानों के अलावा भी मसाज वाले दुकान रहते हैं जहाँ पे बेसिकली यू नो आप मसाज करा सकते हो। ये रहा पालकी वालों का दूसरा ब्रेक और हमारा वही नाश्ते का ब्रेक है। सो वी आर गोइंग टू हैव मैगी। बड़ा दिल कर रहा है मैगी खाने का। वैसे पहले यहाँ आने के पहले मैं मम्मी हमेशा यू नो ऐसा है वो मेंटालिटी बचपन से वो कल्चर में है कि भगवान की जब पूजा करो तो खाली पेट करो, तो यहाँ पे मैं और मम्मी भी यही सोच रहे थे बट देन नॉट पॉसिबल। बहुत ऊंची चढ़ाई है जो आपको करनी होती है, कम से कम मिनिमम 6 से 7 घंटे की चढ़ाई अगर आप कंटिन्यूस चलते हो तो उसमें सारे लोग खाते पीते जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। सो प्लीज़ आप खाते पीते रहना और अपने आप को बहुत हाइड्रेट करना। हर जगह वॉशरूम्स बने हुए हैं, खाने पीने की दुकानें हैं क्योंकि वहाँ पे ऊपर आपको भगवान छू के दर्शन करने नहीं देते हैं, सिर्फ पिंडियों को दूर से देखना होता है। तो आपका खाना पीना ऊपर चढ़ाई के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। वी आर रेस्टिंग, लोग आराम से अपना पूरे रास्ते पे खाते पीते जाते हैं, रिलैक्स करते हुए जाते हैं। मतलब कोई 1.5 घंटे 2 घंटे में चढ़ जाता है, 3 घंटे में कोई, 5 कोई, 6 कोई, 10, अपनी मर्जी। आपको जैसे ऊपर जाना है वैसे ऊपर जा सकते हो। हम वेट कर रहे हैं मम्मी का, पालकी वाले पीछे है तो हम यहाँ पर गए स्टेशन स्टॉप। अरे चाय हमने बट मैगी खा के मज़ा आ गया ना। यस यम। वॉशरूम जी 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 करना है नहीं ना आगे, फिर अर्धकुमारी में तो होगा ना, आगे भी है अर्धकुमारी में कर लेंगे, साथ में रखेंगे अर्धकुमारी रुकेंगे ना तब कर लेंगे, उधर रखेंगे। क्या मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, लगता है स्वर्ग में, स्वर्ग में हो तुम, लगता है कुछ झुला रहा है, झुला मिल जा रहा है, स्वर्ग हो जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। पूरे रास्ते में आपको हर जगह पानी के टैप्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपना ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हो बॉटल में, एंड वॉशरूम मिलेंगे। सो डोंट वरी,
सारी सुविधाएं श्राइन बोर्ड ने दे रखी हैं आपके लिए, आप बिंदास होकर अर्धकुमारी का के दर्शन काउंटर है। बेसिकली अर्धकुमारी इज हाफ वे ऑफ द भवन, भवन यहाँ से आधा और ऊपर है जितना आप नीचे से आते हो। सो नीचे से अर्धकुमारी इज 6 किलोमीटर्स और फिर यहाँ से भवन होता है 6 किलोमीटर्स मोर, बट वही है कि चढ़ाई बहुत ऊंची है, खड़ी चढ़ाई है, तो 6 किलोमीटर चढ़ने में भी आपकी हालत ख़राब हो जाती है। अर्धकुमारी तक भी आप पालकी या पोनी कर सकते हो, क्योंकि अर्धकुमारी से आपको ई रिक्शा मिलती है, ई जो कार्स होती है वो मिलती है, श्राइन बोर्ड ने इंट्रोड्यूस की है, जहाँ से आपको प्रीपेड टैक्सी टाइप की है, जहाँ से आपको काउंटर से टिकट लेनी पड़ती है इसकी, और यहाँ से 6 किलोमीटर ऊपर मतलब भवन का जो चेक पोस्ट है वहाँ पे ये बैटरी वाली कार जाती है। लेकिन इसकी भी एक टाइमिंग होती है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे ये नहीं चलती है, और इसके भी स्लॉट्स होते हैं। खाने में आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको खाना है, चाय, कॉफ़ी, राजमा राइस, कढ़ी राइस, मसाला डोसा, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, लोग अच्छे से मज़े से खा पी के ऊपर जाते हैं। अगैन अर्धकुमारी के पास ये ATM के साथ एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी आपकी सर्चिंग होती है। अब यहाँ से आप देखो थोड़ा थोड़ा भवन दिखने लगा है, जो नीचे से नहीं दिख रहा था, तो वो जय माता दी जो लिखी हुई है वो है भवन, जहाँ हमको जाना है वही माता का दरबार है। यही पॉइंट है, चेक पॉइंट है, जहाँ तक जो अर्धकुमारी से कार वाली बैटरीज आती हैं वो यहीं पर आएंगी, और यहीं पे आपकी पोनी और जो घोड़े हैं वो आपको छोड़नी पड़ेगी, और थोड़ा सा आगे भवन के लिए वॉक करना पड़ेगा। तो ये देखो अब मुझे भवन बहुत ही साफ़ और क्लियर दिख रही है, जहाँ पे आपको बैटरी वाली कार ड्रॉप करती है वहाँ पे बहुत सारे भवन हैं, गेस्ट हाउस हैं, धर्मशाला है, एंड वहाँ पे ATM भी है, हॉस्पिटल भी है, क्योंकि बहुत लोग जब ऊपर जाते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है बिकॉज ऑफ़ लेस ऑक्सीजन, तो उनके लिए एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल है, तो सारी फैसिलिटीज़ हैं आपको पूरे रास्ते में मिलेंगी। नीचे कटरा से ऊपर दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर भी चलती है, उसकी बुकिंग आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो सेम डे पर, लेकिन अगर आपको पहले से बुकिंग चाहिए तो आपको वो ऑनलाइन करनी पड़ती है, जो खुलती है 60 डेज पहले। उसकी फेयर होती है 1830 पर साइड, लेकिन अगर आप कटरा टू संची छत लेकर के जाते हो, बेसिकली वो 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर रहता है भवन से, और फिर आप वहाँ से जो हेलीपैड है वहाँ से आपको फिर पोनी या घोड़ा या फिर पालकी मिल जाएगी भवन तक के लिए। अगर आप कटरा से सांझी छत जाते हो तो एक साइड का फेयर 1830 है, लेकिन आप अगर वापस कटरा जाते हो तो उसका 3660 है, लेकिन एडवाइजेबल है कि आप 60 डेज़ पहले ऑनलाइन बुकिंग कर लो, जो 10 बजे खुलती है, स्लॉट्स ख़त्म हो जाते हैं। वैसे आपको सेम डे पे करंट टिकट भी काउंटर से मिल जाएगी, बट थोड़ा सा रिस्की होता है, उसमें नहीं मिलने के चांसेस भी होते हैं। यहाँ से ऊपर अगर आप जाओगे तो काल भैरव है, और अगर आप इधर लेफ़्ट आते हो तो भवन है। भवन के अंदर भी बहुत सारे बादिंग रूम्स है, बाथरूम्स है, वॉशरूम्स है, अगर कोई चढ़ाई करके ऊपर आके नहा के फिर दर्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और ऊपर भी बहुत सारे धर्मशाला है, बट अगेन उन धर्मशाला की बुकिंग जल्दी नहीं मिलती है, तो अगर आप लकी हो तो आप पहले बुक कर लो और आपको बुकिंग मिल जाएगी। ऊपर जब आप आओगे तो एक अगेन आपकी एक चेकिंग होगी, उसके बाद आपको अपना जो सामान है वो लॉकर रूम में रखना होगा सारा सामान। सो कुछ भी चमड़े का अलाउड नहीं है, फ़ोन भी अलाउड नहीं है, आप ऐसे ही जाओ और दर्शन करो हमारे। फाइनली हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। हाँ, बहुत ही अच्छी गुफा वाली, पुरानी गुफा वाली दर्शन, जहाँ पे हम अंदर घुस के बिल्कुल गुफा के अंदर गए थे। हमने टीका भी लगवाया, पंडित जी ने लगाया, पूरे जनरल लाइन में ऐसा टीका नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और ऐसा होता है कि मतलब जनरली ये जो गुफा है ना, पुरानी गुफा, वो साल में बस एक ही बार खुलती है सिर्फ जनवरी में, क्योंकि तभी भीड़ कम होती है। सो हम लकी हो गए और हमारा ये गुफा खुल गया, हमारे लिए गुफा खुल गई, और मतलब गुफा बहुत ही पतली सी है, पूरा एकदम स्लैंट होकर लेट लेट के जाना पड़ता है। मम्मी के घुटनों में पेन था फिर भी मम्मी चली गई, और बहुत ही एकदम आराम से भगवान को देख के, माता रानी को देख के दर्शन हुए। तो मतलब किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे दर्शन। हाँ, किस्मत वालों को मिलते हैं। अब हम बस कुछ खाएंगे और फिर हम ऊपर भैरव बाबा के पास चलेंगे दर्शन के लिए। अभी टाइम 1:30 बज रहे हैं, एक्चुअली हमें टाइम लग गया काफी, क्योंकि लाइन बहुत टाइम के लिए रुक गई थी। और माता रानी के बाद भैरव बाबा के दर्शन तो जरूरी होते हैं, इसलिए वो यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर है, तो और हमने शिव जी के भी दर्शन करे नीचे गुफा में जाके। गुफा भी है एक, हमने वहाँ भी दर्शन किए,
और वैसे तो भैरव बाबा के लिए यहाँ से रोप वे चलती है लेकिन वो शाम को सिर्फ 5:30 बजे तक चलती है। तो अब हम जाएंगे पैदल चलते हुए, हम मम्मी जाएगी पालकी। ये रहा कड़ी चावल और पूरी सब्जी। जैसे ही आप काल भैरव के रास्ते पे जाओगे चढ़ाई करने को, वैसे ही आपको स्टार्टिंग में ही एक टिकट काउंटर मिलेगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी आप नीचे से कुछ भी करोगे पालकी घोड़ा, वो सिर्फ भवन तक आती है, उसके बाद आपको एक नई टिकट लेनी पड़ती है। तो आप देखो इस बोर्ड पे सारे रेट्स दिए हुए हैं, वो जो हेलीपैड है वहाँ के भी रेट्स दिए हुए हैं आने का जाने का, फिर नीचे जो बाणगंगा है जहाँ लोग स्नान करते हैं वहाँ के भी दिए हुए हैं, फिर और उससे भी नीचे जो एंड पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट मतलब वहाँ के भी दिए हुए, तो सारे रेट्स दे रखे हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल हो आप वो कराओ, हम जो अभी मम्मी के लिए कराएंगे क्योंकि हमको भवन जाना है। और ये जो सेम पालकी वाले हमारे लिए रुक रहे थे क्योंकि हम थोड़ा ऑफ सीज़न में गए थे और उनको भी काम नहीं मिलता था, तो उन्होंने बोला कि हम वेट करेंगे आपका। तो हम सेम पालकी वालों के साथ अब भैरव काल भैरव जाएंगे और वही हमको फिर नीचे लेके जाएंगे। दर्शन कैसे हुए तुम्हारे? विष्णु माता का? हाँ बहुत अच्छा दर्शन हुआ। ये तो पुराना गुफा का मूर्ति था, वो उस साल में एक बार ही खुलता है, बहुत अच्छा से दर्शन हो गया। गुफा में घुस के चली गई तुम, तुम्हारे पैर में दर्द नहीं हुआ? तुम्हारे पैर में माता का कृपा, माता हमको ले गया, टीका भी मिल गया, माथा वहाँ लगाई थी। हाँ गुड मम्मी गुड। अब चलो भैरव बाबा के दर्शन करने, है ना? जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा। भवन से भैरव बाबा जो है वो सिर्फ 3 किलोमीटर हैं, लेकिन चढ़ाई बहुत ही ऊंची है। रोपवे में लोगों को इजी पड़ता होगा बट अभी रोपवे बंद हो गई है और हमारे पैरों ने जवाब दे दिया है, बट जाना तो है ही। सो अब हम ऑलमोस्ट ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। वैसे नीचे से जब आप ऊपर आते हो भवन तक, तभी दो रास्ते हैं, एक तो ऐसे नो जिस रोड वाले रास्ते से हम आए वो है और एक है आपका स्टेयर्स वाला रास्ता। स्टेयर्स वाला अगर आप रास्ता लोगे तो उससे आपके पैर बहुत 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 दुखेंगे, वर्सेस अगर आप ऐसे ही रोड पे चलते आते हो तो वो थोड़ा इजी पड़ता है। तो हमने वही किया, हम रोड से ही चलते हुए आ रहे थे, वैसे भी पालकी थी तो रोड से ही आना था, लेकिन ऐसे भी अगर हम आएंगे तो वो इजी पड़ता है वर्सेस अगर आप स्टेयर्स लोगे तो आपके पैर बहुत जल्दी थक जाएंगे। हमने बस ये थोड़े से स्टेयर्स लिए क्योंकि स्टेयर्स यहाँ पे कम थी, हमको लगा क्या घूम के जाना। और ये देखो आप यहाँ पे टिकट काउंटर दे रखी है टू गेट द रोप वे जो अभी बंद हो चुकी है। हाँ हम लोग सीरियस है, हम मम्मी आई इधर से बट पहुँचे सब साथ में। बताया लंगर भी बंद है और सुबह 7 से 3 बजे तक, फिर 12 बजे तक मिलता है। जय माता दी। टाइमिंग 7 बजे सुबह से 8:15 बजे तक। यहाँ से देखो दे रखा कटरा इस 11.5 किलोमीटर 3550 अर्थकुमारी 5.550 ओम व्यू पॉइंट किधर है? यहाँ पे सिर्फ जूते उतार के जाने होते हैं, बाकी बैग वैग आप लेके जा सकते हो। चलो थैंक यू भैया। अच्छा अभी चल रहे हो? चलो चलो हमने रात को चढ़ाई की तो ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं मिली, क्योंकि भीड़ यहाँ पे 24/7 है, रात को भी बहुत भीड़ होती है। लकीली हमारा दिन बहुत अच्छा था कि हमको भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिली और काल भैरव की दर्शन 5 मिनट में हो गए। फ़ोन से कैमराज अलाउड नहीं थे तो हमने फ़ोटोज़ नहीं ली। और अब हम जा रहे हैं नीचे, नीचे हम दूसरा वाला रास्ता ले रहे हैं जो सीधे काल भैरव से लेफ्ट जाता है, और वो जो आपको नीचे बोर्ड दिख रही है बेसिकली वो है अर्धकुमारी। तो अर्धकुमारी तक पहुँचेंगे तो फिर मैं बताती हूँ कि वहाँ की क्या कहानी है। जिस रास्ते चढ़ाई की है वो रास्ते नहीं, लेकिन आप जो दूसरे रास्ते जिधर से हम नीचे आए हैं वो रास्ते आओगे तो बीच में आपको थोड़ी देर के बाद ही आपको ये काउंटर मिलेगा जहाँ पे हलवा प्रसाद मिलता है फ्री का, चने और हलवे मिलते हैं। और अभी तो ये बहुत 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 खाली है बट जनरली यहाँ पे भी बहुत लंबी लंबी लाइन लगी रहती है।
प्रसाद का समय सुबह 7:30 से 2:30 तक, फिर 3:30 से 10:30 और रात को 11:30-6 बजे तक। इतनी चढ़ाई के बाद तो ये प्रसाद देख के खा के मज़ा आ गया। वैसे मैंने आपको बताया नहीं कि जब आप ऊपर जाते हो तो कुछ भी प्रसाद लेके मत जाना, क्योंकि वो कुछ चढ़ावे में नहीं लेते हैं। ये हम पहुंच गए अब अर्धकुमारी। यहाँ पे जो आप ये लोगों को लेटे हुए देख रहे हो, सोए हुए देख रहे हो, तो बेसिकली अर्धकुमारी एक गुफा है जहाँ माता जब भैरव से बच के भागी थी तो ये बीच रस्ते में आता है। और वहाँ माता ने कुछ तो तपस्या की थी कितने साल या कितने महीने अंदर बैठ के, इस वजह से यहाँ पे लोग दर्शन करने को आते हैं। बट इसकी जो, क्योंकि बहुत पतली सी गुफा है तो एक बार में बहुत कम लोग जाते हैं। अर्धकुमारी के भी दर्शन हो गए हमने गुफा देख लिया जहाँ से निकलते हैं। अगली बार कभी माता ने बुलाया तो फिर अगर हो सके दर्शन करेंगे। यहाँ पे लोगों को कम से कम 24 से 48 घंटे लगते हैं अपना नंबर आने के लिए, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है ये। और जनरली लोग क्या करते हैं, जब ऊपर माता के चढ़ाई के लिए जाते हैं वैष्णो माता के पास, तो लोग नीचे से ही अपना एक पर्ची कटा लेते हैं और जब वापस दर्शन करके आते हैं तब हो सके नंबर आ गए तो अच्छी बात है, उनके दर्शन हो जाते हैं। नहीं आते तो वो वेट करते हैं यहीं पर नंबर आने का। यहाँ पे ऐसे बिछा के रखा है, लोग इधर ही लेटे रहते हैं कि अब उनका नंबर आए। अगर आपको ऊपर भवन में या यहाँ पर धर्मशाला लेनी है, डोरमेट्री लेनी है, तो आपको श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग करनी पड़ेगी। जहाँ पे अगर खाली रहा तो आपको मिल जाएगा, नहीं रहा तो नहीं मिलेगा। ये है बान गंगा, जिसको बैदिंग घाट भी बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि जब माता भैरव से, काल भैरव से बच के, यू नो, त्रिकुट पहाड़ जहाँ पे भवन है ऊपर भाग रही थी, तब उन्होंने यहाँ पे, जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने यहाँ रुक के पानी पिया था। तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल रीजंस के वजह से, रिलीजियस रीजंस की वजह से बान गंगा में स्नान करते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि ना, आप इससे नहाओगे तो आप बहुत ही अलग सा फील करोगे। अभी तो बज रहे हैं सुबह के 4:30, तो नहाना तो हम नहीं प्रेफर करेंगे, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ अदर पीपल आर ऑल्सो देयर। वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है। सो ये है एक जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने पानी स्टैक करने के लिए बना रखा है, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। हमको टोटल चढ़ाई करने में 12 घंटे लगे एग्जैक्टली, क्योंकि हम रुके नहीं, गए और दर्शन करते करते फटाफट निकल आए, वो भी भीड़ नहीं थी तब। और ये हम खा रहे हैं आर्मी कैंटीन की लंगर, जो यहाँ वो लोग हर ट्यूसडे एंड सैटरडे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हम एक ही दिन के ट्रिप के लिए आए थे और अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। आई होप मेरे वीडियो से आपको मदद मिले अगर आप माता वैष्णो देवी का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। सो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो एंड अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो। आई एम श्योर उनको मेरे वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी अगर वो माता के दर्शन आ रहे हैं। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो अभी अभी अभी। एंड थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय। जय माता दी।